ये अपने कार्यक्रम हुआ था ना जो संस्कार भारती का, हाँ उसमें सब बनाया था। अच्छा, बहुत बढ़िया एकदम ग्रैंड। ये कौन सा जगह है? ये सत्रह है बरदुआ, यहाँ पे शंकर देव का जन्म स्थान हुआ था। ये अच्छा, ये श्रीमद शंकर देव जी का जन्म स्थान है, तो यहीं पे बरदुआ सत्रह है। अच्छा, तो ये श्रीमद शंकर देव जी ने पहला सत्र यहीं पे स्थापन किया था। ये सत्र कितना बड़ा एरिया में है? लगभग 50, कम से कम 100 एकड़ में होगा पूरी जमीन। तो यह क्या क्या गतिविधियां होती है? तो जो सत्र की जो कीर्तन का एक जो प्रक्रिया होता है, उसमें 14 बार इसका अलग अलग प्रकार के कीर्तन होते हैं, तो वो हैं, वो चलते हैं। बाकी क्या लिखा है इसमें? रमाकांत और मुखिया आते बहा, तो बहा यानी जो सत्र में रहते हैं, जो जिन घर में बास करते हैं तो बहा बोलते हैं। ये क्या लिखा है? ये खासी गस, मतलब वो सासी जो मैंने उसकी बनता है ना, उसी का पेड़ है। बाकी कार्यालय वगैरह हैं। क्या है? तो यहाँ पे जो ये भोग लगाने का, भोग यानी प्रसाद, प्रसाद जो चढ़ाते हैं वही देना होता है। अच्छा, ये यहाँ से व्यवस्था में जाएगा। ये तो मतलब जो प्रसाद है वही चढ़ावा यहीं पे होते हैं। ऐसे मतलब वो जो मूल कीर्तन का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उसी वजह से यहाँ पे एंट्री बंद, स्थायी रूप से यहाँ पे बंद किया गया। मतलब नाथ घर होता है, नाथ वगैरह यहीं पे होता है। पहले ये यहाँ पे ये कर लीजिए, उसके बाद में हम देखेंगे जा सकते हैं। ये सब क्या है? निजम है तो दवा बोलते हैं, बड़ा बड़ा होता है अंदर, बहुत बड़ा बड़ा है ये। बस यहाँ पे टेम्पोरी स्थापित है। जो मूल कीर्तन है यहीं पे कीर्तन शुरू होगा। वहाँ जाएंगे ना? वहाँ जाएंगे। तो वो क्या है? वो है पदशिला, मतलब चिंतन शंकर जी के जो पद चिन्ह है वहाँ पे वहीं पे रखा है। पदचिन्ह शिला मतलब असल शिला पत्थर, हाँ पद पद शिला। ये हल्दी का वृक्ष है, हल्दी है, हल्दी हल्दी बोलते हैं, चिली का चिली का हल्दी, हरड़ा 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 हरिद्रा हरड़ा विषय में हरड़ा हरिद्रा संस्कृत में हरिद्रा हरिद्रा का पेड़ है, उसी के नीचे सुमन शंकर जी ने इतनी पुस्तक लिखी है। अच्छा, इसी पेड़ के नीचे सुमन शंकर देव ने जो पुस्तक रचना किए हैं, हाँ। इसी हरिद्रा पेड़ के नीचे यहाँ से ही उनका प्रवचन होते थे। और ये जो बड़ा वृक्ष दिख रहा है, हाँ, वो उनके बाद है। और ये जो छोटा डाली है ये पहले है, वो पहले था, मतलब पहले जो गीत बड़ा भी हरिद्रा का है ना, हरिद्रा का ही है। तो ये उसी जमाने से उसी पौधा का है, हाँ, जिस पौधे के नीचे श्रीमद शंकर जी बैठ सकते हैं। जी अगर जो मेन फूल था तो भागी पड़े थे, और जो डाली है वही बैठी हेतु हेतु ओरिजिनल डांगा हो जाए।
ब्रह्मचारी जगड़ा रोहन ब्रह्मचारी माने कंस्ट्रक्शन बन रहा है ना, इसलिए थोड़ा सा तो यहाँ से निकलना ठीक रहेगा। नमस्कार। नहीं नहीं जो नहीं मैं प्रांत बैठक पिछले जाम रिक्वेस्ट करी है। ডোনেশন দিব নেকি? গজরাজ চিন্তা কলা থাই ঘোর জলেন দেখ ये तालाब क्या है? ये इनको यहाँ के लोग आकाशी गंगा बोलते हैं। मान्यता ये है कि श्रीमद शंकर देव ने उनकी योग से गंगा जी को आकाश से आवाहन किया था। तो मैं थोड़ा मेरा व्यक्तिगत जो वास्तविक मेरा मतलब अपनी छानबीन है वो आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ। उस समय शायद ऐसा हुआ था कि यहाँ पे पानी काफ़ी मतलब क्या है आयरन है, पानी अच्छा नहीं था। तो जो बारिश का पानी को इकट्ठा करने का तो एक श्रीमद शंकरदेव जी वो भी एक साइंटिस्ट थे, तो उनके द्वारा कि अगर बारिश का पानी बहुत साफ सुथरा है और उनको इकट्ठा करने के लिए एक बहुत बढ़िया तालाब, वो साइंटिफिक दृष्टि से एक तालाब खोदा। तो क्या है कि पहला जो पाल नाम बोलते हैं बहुत बड़ा कीर्तन होता है, उसमें बहुत सारे होते हैं, तो वो बड़ा कीर्तन में ऐसा ऐसा राग वो इस्तेमाल किया था जिसके बदौलत, तो बहुत दिन सूखा था, बारिश नहीं आए थे, तो बहुत रात को बहुत बड़ी बारिश आई, तो शायद ऐसे उसी प्रकार की राग का इस्तेमाल किया होंगे जैसे मेघमल्लार बोलते हैं। हाँ, ऐसा। तो जब वो रात को बहुत ज़ोरदार बारिश हुआ था और यहाँ पे एक वट वृक्ष था, बहुत बड़ा वट वृक्ष पेड़, तो ये वट वृक्ष पेड़ यहाँ गिर गया था। तो मान्यता ये है कि जब गंगा जी आए थे सीधा वट वृक्ष के ऊपर आए थे तो उनके दबाव से ही वो वट वृक्ष झुक गया। तो असल में वो साइंटिफिक वटवृक्ष जो है तो वो विष्णु का प्रतीक है। ये वट वृक्ष जो है विष्णु का प्रतीक है। हाँ हाँ। तो उसी दिन से इसका नाम हो गया बटद्रवा, इस जगह का नाम बटद्रवा हो गया। बटद्रवा। तब से ये एवेन्यू विलेज बटद्रवा के नाम से ही जाना जाते हैं। अच्छा। तो ये है क्या? और तो मान्यता ये है कि जो द्वापर युग में श्री कृष्ण जी जब रुक्मिणी जी से विवाह करने के लिए आए थे तो उन्होने यहाँ पे कुछ सन विश्राम किए थे। रुक्मिणी का जन्म स्थान यही आसपास कहीं यही है, वो कुंडिल नगर। अच्छा, कुंडिल राज्य, राज्य तो यहाँ से और पूरब की तरफ। अच्छा, है एकदम। अच्छा, मतलब जो भारत की एकदम पूरब के हिस्से में। हाँ, है। हाँ, तो वो आए थे तो यहाँ पे वो रुके थे विश्राम की, मतलब लौट के मतलब रुक्मिणी जी को लेके आने के बाद। तो यहाँ पे जो वट वृक्ष है
वहाँ पे घोड़ा घोड़ा बांध के वो मतलब उनका जो धनु है धनुष वहाँ पे रखा था, तो यह टहल रहा था तो यहीं पे एक झरना आया था, झरना है यहाँ पे, तो झरने में वो टेम्बू बोलते हैं सोना का वो टेमी, हाँ वो गिर गया था। अच्छा। तो तब से मान्यता है कि टेम्बू नहीं जान कहा है उस अच्छा अच्छा नजदीकी है, तो वहाँ उनका गहना अंदर है। हाँ अच्छा, तो बटवृक्ष में जो धनुष था वो नीचे गिर झुक गया था। अच्छा, तो ऐसा मान्यता है कि अब देखिए अगर ऊपर से आप कैमरे से देखेंगे तो ये पूरा धनुष जैसा है। अच्छा, ये तालाब एकदम पूरा धनुष जैसा। अच्छा, तो उस धनुष ने इस गड्ढे को हाँ इसे आकार दिया। हाँ, और भी एक कहावत है, जब बराज जी पृथ्वी को उद्धार करते समय उसी जगह पे वो जो मतलब क्या बोलते हैं वो जो कसरा में वो लेती लेते हैं ना, तो वो कसरा जगह यही बोलते हैं, मान्यता है। क्या बात है। अच्छा, ये हम दौल मंदिर पे आए हुए हैं। हाँ, तो श्रीमद शंकर देव जी ने जो पहला हाँ नाटक सिंह जाप्ता किया था इसी जगह पे, तो जो 7 दिन 7 रात लगातार चली थी, तो 7 बैकुंठ के जो सिक्के हैं वो तस्वीर बना के उसमें वो खुद मतलब बजाते भी थे गाते भी थे, पूरा मतलब 7 बैकुंठ का रूपरेखा प्रस्तुत किया था। इसको बोलते हैं सिंह जाप्ता नाटक, श्रीमद शंकरदेव का पहला नाटक है। तो फिर उन्होंने यहाँ पे दोल दोल यानी उषा स्थान, तो ये दोल बनाया यहाँ पे, तो और इसी से दोल यात्रा जो होली में दोल यात्रा, तो यहाँ से दोल यात्रा लाते हैं दोल। तो होली में जैसे अलग अलग जगह पे अलग अलग परंपरा है, यहाँ पे भी ये होली का कार्यक्रम है, तो यहाँ पे डोल जाता नाम के डोल जाता नाम से ये होली कार्यक्रम करते हैं। कृष्ण जी को लेके उनके भक्त उनको कंधे पे लेके यहाँ आते हैं। इसको मतलब एक और कहावत है कि घुनुसावारी कहते हैं, घुनुसा जी को लाने के लिए श्री कृष्ण जी यहाँ से आए थे, वही है होली का कार्यक्रम। चलिए अब चलते हैं ऊपर। उड़ीसा में देउड़ा बोलते हैं, वो यहाँ दोल हो गया, दोल पूर्णिमा। और उड़ीसा में दोलो पूर्णिमा में जैसे दोलो विमान को लेते हैं, यहाँ भी यही परंपरा है, बस भाषा केवल अलग है, कुछ चित्र अलग है। জাতীয় সাজ পরিধান করিহে এই স্থানৰ পৰা আগলৈ যাব পাৰিব। আমাৰ গাঁৱৰ ৰেখা দিলে নাই।